हेलो एवरीवन, गोरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली सोया चंक। इसके लिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रेला लिए हैं, यानी कि सोयाबीन की बड़ी। आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे भी आपके पास में हो। तो मैंने यहाँ पर पानी गर्म किया हुआ है और इसमें मैं इनको बॉईल कर लूँगी। जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे बॉईल करने से, जब तक करना है। और इसमें थोड़ा सा डाल देना है यहाँ पर साल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और मैंने यहाँ पर कम से कम 5 मिनट तक इनको बॉईल किया है और अब मैं इनको ठंडे पानी में निकाल लूँगी। गर्म पानी से एकदम हमें ठंडे पानी में डालना है। तो मैं सारे जो न्यूट्रेला है ये सब निकाल चुकी हूँ। अब इनको इस तरह से हाथ से पानी सारा निकाल कर इनको इस पानी से निकाल लेंगे। ये सब मैं गर्म पानी से तो निकाल चुकी हूँ और ठंडे पानी से भी निकाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है, थोड़ा नमक और कॉर्न फ्लोर, कम से कम 3 बड़े चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ा सा सोया सॉस, कम से कम 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है मैंने, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में तेल गरम किया है और उसमें सारे जो कोट किए हुए न्यूट्रेला थे हमारे, इनको इसमें डाल देना है और फ्लेम लो रखना है गैस का, और इसको इस तरह से पलटते हुए इनको ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं तो मैं इनको अब निकाल लेती हूँ तेल से। ये सब निकाल चुकी हूँ मैं फ्राई करके। तो अब हमें एक पैन में गरम करना है तेल और उसमें डालना है हमें गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली बारीक कटा हुआ, और उसमें मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डालना है हमें। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसी तरह का लंबा लंबा कटा हुआ हमें शिमला मिर्च लेना है। आप इससे बड़े पीसेस भी कर सकते हैं शिमला मिर्च के, जैसे आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने कम से कम 1 चम्मच के करीब विनेगर डाला है और 1 चम्मच के करीब डाला है चिली सॉस, और यहाँ पर डाला है मैंने ये टोमेटो केचप, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर कम से कम 2 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पर सोया सॉस, और फिर से इसको मिक्स कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। अब मैंने यहाँ पर मैदा लिया है कम से कम 3 टेबल स्पून, और इसमें पानी डालकर एक पेस्ट बना लिया है, और इस पेस्ट को जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें डाल देना है और इसको चलाते जाना है हल्का हल्का, जब तक ये एक थिक पेस्ट ना बन जाए। इसमें थोड़ा पानी और डाल देना है, और ये जो हमारे कोटिंग किए हुए और फिर फ्राई किए हुए जो न्यूट्रेला थे वो सब इसमें डाल देने हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि हमारा मसाला जो है वो न्यूट्रेला को अच्छी तरह से कोट कर ले। और तो तैयार है हमारे सोया चिली चंक। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अब तक के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।